अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे 441 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है और अगर हमें उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उस नंबर को हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए। और प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो तमाम नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ईजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वैल्यू को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो 441। तो इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना स्टार्ट करना है प्राइम नंबर से। अब देखना यह कि हमें इस वैल्यू को किस प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। इसके लास्ट में है वन, यानी कि ऑड नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं कि वैल्यू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू से डिवाइड हो सके, क्योंकि टू का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी वैल्यू होती है उसके लास्ट में अगर इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 हो तभी वो वैल्यू टू से इजीली डिवाइड हो सकती है, जबकि यहाँ हमारे पास है वन, वन और नंबर है इसलिए वैल्यू टू से डिवाइड नहीं हो सकती। टू के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है थ्री, और थ्री से हम इसकी डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करेंगे कि जो भी यहाँ वैल्यू उसमें जितने डिजिट्स हैं अगर हम इनको प्लस करें, प्लस करने के बाद ऐसा नंबर आए जो कि थ्री का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू थ्री से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इनको प्लस करें, 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9, 9 आपको पता है बिल्कुल थ्री का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू थ्री से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो चलिए हम इसको थ्री से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। थ्री के टेबल में फोर नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है थ्री और वो आता है वन पे, जबकि यहाँ हमारे पास असल में था फोर, वन जो है रिमाइंडर है वो चला गया इस फोर के पास और ये बन गया 14। थ्री के टेबल में 14 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 12 और वो आता है 4 पे, जबकि असल में हमारे पास यहाँ था 14 लिया 12 है, तो 2 जो है वो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, वो 2 चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ चुकी है वो है 147। दोबारा से हम इन सबको प्लस करके देखेंगे कि क्या अभी भी ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। 7 + 4 = 11, 11 + 1 = 12, 12 आपको पता है 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स कि ये वैल्यू अभी भी 3 से इजीली डिवाइड हो सकती है, तो अभी भी हम इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ हम सिंगल डिजिट नहीं ले सकते क्योंकि 3 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हम 2 डिजिट्स लेंगे, लेकिन 3 के टेबल में 14 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 12 और वो किस पर आता है 4 पे, 2 जो रिमाइंडर है वो चला गया 7 के पास और ये बन गया 27। 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 9 पे। अब हमारे पास जो यहाँ वैल्यू आ चुकी है वो है 49, और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 4 + 9 तो वो बनेगा 13। 13 3 का मल्टीपल नहीं है इसलिए अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अगर वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तभी वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है, और 5 यहाँ पे हमारे पास 9 है इसलिए वैल्यू 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7, और 7 के टेबल में 49 आपको पता है बिल्कुल आता है 7 पे, 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे, और 7 को यहाँ हमने 7 से ही डिवाइड करना है, 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 441 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है, और ये तमाम जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं 441 के। इनको हम किस तरह लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे इनको प्राइम फैक्टर्स ऑफ इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7। ये तमाम जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 441 के, और अगर हम इनको चेक करना चाहते हैं कि प्राइम फैक्टर्स हमने सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारा ओरिजिनल नंबर यानी कि 441 ही बनना चाहिए। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।